सो फाइनली टाइम आ गया है कि आज हम हमारे एवोकाडो प्लांट को बाहर प्लांट करेंगे। मम्मी के 5 महीने के मेहनत के बाद आज एवोकाडो प्लांट काफी बड़ा हो गया है। You want to see the result? Let me show you. इसकी हाइट लगभग 3 से 4 फुट की है। हमने गमले में मिट्टी पहले से तैयार करके रखा है आगे के प्रोसेस के लिए। ये प्लांट हमने हमारे घर में लगाया है और हम रहते हैं राउरकेला ओडिशा में। सो जैसा कि आपको पता है कि ओडिशा में गर्मी बहुत होती है और यहाँ पे एवोकाडो प्लांट उगाना बहुत मुश्किल का काम है, पर लेट्स सी हम ये कैसे करते हैं। सो ये रहा एवोकाडो फ्रूट का सीड। अब हम इसे गमले में प्लांट करेंगे और सॉइल के साथ थोड़ा वर्मी कंपोस्ट मिक्स करेंगे। वर्मी कंपोस्ट एक तरीके का खाद है जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेगा। सो एवोकाडो एक मीडियम साइज एवरग्रीन ट्री है जो लॉरेल फैमिली से आता है। ये मोस्टली आइलैंड्स ऑफ साउथ सेंट्रल मेक्सिको और ग्वाटेमाला में उगाया जाता है। कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा मेक्सिको में उगाया जाता है, जो कि वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एवोकाडो है। प्लांट की हाइट ज्यादा होने की वजह से अब हम उसे सपोर्ट के लिए एक लकड़ी से बांधेंगे। एवोकाडो प्लांट लगाने की खुशी में अब पापा हमें एक डांस करके दिखाएंगे। इसे कहते हैं हैप्पी डांस। अब करना है सबसे जरूरी काम, हमें इसमें पानी डालना है। हम उसी पानी का इस्तेमाल करेंगे जिसमें यह पहले ग्रो हो रहा था। फाइनली हम प्लांट को ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पे बहुत ज्यादा धूप भी ना हो और बहुत ज्यादा छांव भी ना हो। मम्मी कहती है इससे प्लांट का हेल्थ सही रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। इफ यस, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। हैप्पी गार्डनिंग।